दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच जो ये गाजीपुर बॉर्डर है वहां पर हम मौजूद हैं और देखिए कि कल तक जो थोड़ी सी एंट्री एग्जिट की सुविधा थी अब सिर्फ जो सबवेज हैं वो खुले हुए हैं, जो मुख्य रास्ता है उसे पूरी तरीके से बंद किया गया है। खास तौर पर जो पैदल लोग हैं जिसकी वजह से एक मानव त्रासदी सी नजर आई थी दिल्ली की सड़कों पर और खासकर सीमाओं पर दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच, तो उसके कारण कि जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, वो पैदल रास्ते से न जाने पाए, ये एक बहुत बड़ा प्रयास किया जा रहा है। और इसीलिए चूंकि नई व्यवस्था भी है इसलिए बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे कि इस मुख्य सड़क पर आ भी रहे हैं, लेकिन कुछ देर में जब उन्हें ये सूचित किया जाता है कि नहीं आपको दूसरा रास्ता लेना होगा तो फिर उस ओर की तरफ वो बढ़ते हैं। गाजीपुर की ओर जाता हुआ बॉर्डर पर हम इस समय खड़े हैं और यहाँ हम देख रहे हैं कि जो ट्रक्स हैं उनके भी एक बार खोलकर उन्हें देखा जा रहा है कि कहीं वो लोगों को तो बिठाकर उसके भीतर नहीं ले जा रहे हैं। इस तरह की भी कई घटनाएं सामने आई थी, तो बॉर्डर पर ये चौकसी है लेकिन ट्रकों को उसके बाद जाने दिया जा रहा है। कहां से जा रहे हैं आप लोग? डिफेंस कॉलोनी से। डिफेंस कॉलोनी से कहां जाना है आप लोगों? गांव जा रहे हैं मैम। काले खां जाएंगे पहले? हाँ। तो यहाँ से लेकिन बस कहाँ निकल रही है? अब पता नहीं, कह तो रहे थे कि बस जा रही है। नहीं भैया, बस नहीं जा रही है। दूसरी चीज है कि आज तो पैदल को रोक रहा है, आज पैदल को बॉर्डर नहीं जाने दे रहा है। अच्छा, तो आप लोग कहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ रहने की व्यवस्था नहीं है? आप नहीं, व्यवस्था नहीं है। वहाँ से भी लोग भगा रहे हैं, कोठी में रहते ना वो बगल वाले साहब लोग। हाँ। तो बोलते हैं यहाँ क्यों रह रहे हो? अब जब बच्चा लोग थोड़ा बहुत रोता है, हर शोर मचाता है, तो कहते हैं यहाँ क्यों रहते हो? तो वो लोग काम वैसे ही बंद है, ठेकेदार हमारा आता नहीं है। ऐसी है नहीं, वो बगल वाले कोठी वाले है ना, तो बोल रहे थे हम प्लस से तुमको यहाँ से भगवा देंगे। तो हमने बोला है कि आप बुलाओ ना प्लस, हमको कोई मदद है नहीं है। बताओ, ऐसी गैलरी में पड़े हैं, कोई साधन है नहीं है, किसी को है किसी को नहीं है साधन, तो हम क्या करें बताओ? यहाँ परेशान हो रहा है, पड़े पड़े बीमार हो रहा है, बच्चे हैं छोटे छोटे सब। तो हम आज वहाँ डर के मारे भागे आए हैं। देखिए ऐसे ही होता है कि एक तो डिफेंस कॉलोनी जिसे रईसों का इलाका माना जाता है, वहाँ पर अगर गरीबों के साथ ये स्थिति होगी तो हम इस समय जहां पर मौजूद हैं, मुझे लगता है कि यहां पर जैसे ही ये इन लोगों को मदद पहुंचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर जहां पर रह रहे हैं वहां से हटा दिया गया है, वहां पर ये कह दिया गया है कि अब यहां नहीं रह सकते हो, यहां से निकल जाओ, और इनका कहना है कि वहां पर कोई आया ही नहीं मदद के लिए, तो आखिर उसके आगे करेंगे क्या? दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर पर हम इस समय मौजूद हैं, चूंकि हर दो राज्यों के बीच का जो बॉर्डर है उसे पूरी तरीके से सील करने की बात है, और यही आलम हमें यहाँ भी नजर आ रहा है। दिल्ली की सीमाओं में भले ही हमें कई लोग ऐसे मिले जो लोग पैदल चल रहे थे, लेकिन यहाँ पर आप सब वाहन सवारों को ही देखेंगे, और जो इक्का दुक्का जो गाड़ियाँ यहाँ से निकल रही हैं जो सामान जैसे सब्जियाँ वगैरह लेकर, उन्हें भी आज आवाजाही की पूरी इजाज़त है। सिर्फ इतना देखा जा रहा है कि कहीं कोई और तरीका तो नहीं। आज ट्रक्स वगैरह सबको निकलने दे रहे हैं ना सर आप लोग? सब जा रहे हैं सर। अब ऐसा तो नहीं कि आगे कहीं ट्रक्स वगैरह फंसी हुई हो? जो सामान के लिए एसेंशियल जो है सेवा है, तो उसके लिए निकल, वो निकल। तो आप लोग सिर्फ चेक कर रहे हैं कि क्या सामान लेके निकल रहे हैं, उसके अलावा नहीं कुछ? तो एक समस्या ये खड़ी हो रही थी कि जो चीजें हैं उनकी कमी ना हो जाए, तो चूंकि हर इलाके में जहां जहां से हम होकर आए हैं सब में हमने यही देखा है कि ट्रक्स को एक बेसिक चेकिंग के बाद कि कहीं उसमें इंसान तो नहीं या मानव लोगों को लेकर तो नहीं निकल रहे हैं ये ट्रक, सिर्फ इतनी चेकिंग के बाद उन सामानों के साथ उन्हें आगे निकलने दिया जा रहा है। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, दिल्ली।